21 डेज का लॉकडाउन चल रहा है देश में। बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जो खुश हो रहे होंगे कि यार चलो कोरोना तो कंसर्न है ही है, ये तो सही बात है, बट क्योंकि आप स्वस्थ है, आपको कोई लेना देना नहीं है, आपकी सैलरी भी आ रही है फ्री में, तो आप घर में हैं, सोशल मीडिया पे चैलेंजेस चल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, अगर घर में बंदा बैठा रहेगा तो करेगा क्या, क्योंकि पूरा का पूरा देश लिटरली जो है ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा कि पूरा का पूरा देश बंद हो चुका है। इवन यहाँ पे रेलवेज जो है वो कभी बंद नहीं हुई थी पूरी हिस्ट्री में इंडिया की, वो भी यहाँ पे यू नो उसको भी बंद कर दिया गया है। आपके पास पैसे हैं दोस्तों, इसलिए आप बैठ सकते हैं, आपके पास पैसे हैं इसलिए आप यहाँ पे टाइम पास भी कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट 21 डेज़ को बढ़ा के एक महीना कर देती है पूरा, डेढ़ महीना कर देती है पूरा, दो महीना कर देती है, तब भी आप यहाँ पे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास पैसे हैं, आपका हो सकता है इंश्योरेंस हुआ हुआ है, आपका अपने घर पर रह रहे हो, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क वाली बात नहीं है। आपने अपनी तरफ से दान भी दिया होगा जो कि एक अच्छी बात है, बट आप ये नहीं सोच रहे कि देश में ऐसी बहुत एक बड़ी पॉपुलेशन है जो यहाँ पे रोज़ कमाती है, रोज़ खाती है। 90% ऑफ इंडियन वर्कफोर्स, मेरी बात ध्यान से सुनना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा मैं बता रहा हूँ, 90% जो इंडियन वर्कफोर्स है वो यहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम करती है, जैसे कि चाय बेचने वाला, जैसे कि लस्सी बेचने वाला, जैसे कि आपके घर के आसपास यू नो रिक्शा चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, कोई दिहाड़ी मजदूर है, कोई घर में किसी के काम करता है। आप सोच सकते हैं ऐसे लोग यहाँ पे रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, तो उनका क्या हाल हुआ होगा जब 21 डेज़ का लॉकडाउन लग गया होगा। गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई किसी की सैलरी नहीं काटनी है, चलो ठीक है मान लिया हमने सैलरी नहीं काटी, आपने सैलरी नहीं काटी होगी अपने एम्प्लॉयज़ की, बट उसका क्या है जो यहाँ पे खुद लस्सी की दुकान चलाता है, जो दो बंदों को अपनी हेल्प के लिए रखता है, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये देता है, क्या आपको लगता है वो बंदा जिसकी खुद का धंधा यहाँ पे डाउन हुआ पड़ा है, जो रोज़ कमाता है उसी में से सैलरी बांटता है, वो क्या उन लोगों को सैलरी दे पाएगा? क्या ये चीज़ मतलब पूरा प्रैक्टिकल है? बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादातर ऐसे लोग मिलेंगे इंडिया में जो खुद कमाते हैं रोज़, और यहाँ पे जो कमाते हैं उसी से अपने स्टाफ को दे देते हैं, उनके पास इतना कैश नहीं रहता पड़ा हुआ कि वो यहाँ पे एक एक दो दो महीने तक सैलरियाँ बांट देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बंदा खुद कमा रहा है रोज़, अगर उसकी खुद की कमाई रुक जाएगी तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को क्या देगा? यू गेटिंग माई पॉइंट? और 90% लोग जो वर्कफोर्स है वो यहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैंने आप लोगों के लिए कुछ यहाँ पे डेटा इकट्ठा किया है, और उसमें मुझे पता लगा है कि 92% फीमेल और 82% मेल वर्कर्स यहाँ पे महीने के 10,000 रुपये से भी कम का कमाते हैं। और सुन लो अभी दोस्तों यहाँ पे कि अगर आप 50,000 रुपये महीना कमा रहे हो ना, तो यहाँ पे आप टॉप 1% लोगों में आते हो। यही नहीं दोस्तों, 68% ऑफ इंडिया लिव्स ऑन लेस देन $2 अ डे, एंड ओवर 30% इवन हैव लेस देन $1.25 अ डे। मतलब 60% इंडियन पॉपुलेशन जो है यहाँ पे 150 रुपये में अपने दिन का जो है गुजारा करती है। ये मेरा खुद का डेटा नहीं है, ये सारे डेटा जो मैंने जहाँ से जिस जगह से लिए हैं उनके आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे मैं सिर्फ एक सोर्स पे बिलीव नहीं कर रहा कि इसने बोल दिया तो सच है, मैंने अलग अलग सोर्सेज पे, जैसे BBC हो गया, गार्डियन हो गया, जो टॉप के यहाँ पे यू नो न्यूज़ एजेंसीज हैं, न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, उनसे ये सारा डेटा उठाया है ताकि आप लोगों को जो है सही इन्फॉर्मेशन पता लग पाए। ऑक्सफैम जो एक यहाँ पे एजेंसी है जो यहाँ पे हम लोगों को डेटा वगैरह बताती है, उन्होंने ये बताया है कि इंडिया में इनकम इनक्वालिटी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे 73% जो टोटल वेल्थ है इंडिया की, जो टोटल पैसा है, वो यहाँ पे टॉप 1% लोगों के पास है, बाकी 99% लोगों के पास सिर्फ 27% देश की टोटल वेल्थ है। आप सोच सकते हैं कि मतलब कितनी ज़्यादा यहाँ पे इनकम इनक्वालिटी। आपको मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा, आप अपने खुद घर के आसपास देख लो, आप लोगों को कितने लोग भीख मांगते हुए मिल जाएंगे, बहुत एक्सट्रीम पुअर कंडीशन में जो लोग रह रहे हैं वो भी मिल जाएंगे। और 21 डेज का लॉकडाउन लगाना दोस्तों, आप सोच सकते हैं कितने भारी काम है यहाँ पे। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसकी आइडियल सिचुएशन क्या रह सकती थी, हम कैसे इस चीज़ को डील कर सकते थे ताकि हम बेहतर इसका जो है एक उपाय निकाल सकते थे, क्योंकि कोरोना एक प्रॉब्लम है, चैलेंज है, हमारे सामने नहीं है, पूरी दुनिया के सामने ही है। बट इंडिया की बात थोड़ी अलग है पूरे दुनिया के अलग देशों से, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, पहले से ही हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट 45 सालों में सबसे ज़्यादा थी, 4.7% की दर से हमारी GDP बढ़ रही थी, अभी कोरोना के बाद तो और कम हो जाएगी। You getting my point? एविएशन सेक्टर ठप है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ठप है, इकोनॉमिस्ट ने वार्न किया है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को $2 बिलियन से भी ज़्यादा का नुकसान होने का यहाँ पे अंदाज़ा लगाया जा रहा है। बार्कलेज ने एक स्टडी की है जिसमें उन्होंने बताया कि जो टोटल शटडाउन की कॉस्ट है जो कि इंडिया को पे करनी पड़ेगी वो करीबन $100 बिलियन हो सकती है।
जो कि 4% है टोटल जीडीपी का। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने कुछ दिन पहले यहाँ पे बेल आउट पैकेजेस का, रिलीफ पैकेजेस वगैरह का ऐलान किया है, करीबन 23 बिलियन या 22 बिलियन डॉलर का ये जो पैकेज है। बट ये इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम है। मैं आप लोगों को बता दूँ, अमेरिका ने 2 ट्रिलियन डॉलर का ऐलान किया है और उनकी जो जीडीपी का करीबन 10% हिस्सा वो मतलब रिलीफ पैकेजेस वगैरह में बांट रही है। सिंगापुर में भी कुछ इसी तरीके के हालात है। कनाडा की बात करूँ तो 2000 कैनेडियन डॉलर लोगों को दिए जा रहे हैं करीबन 4 महीनों के लिए, ये खबर आ रही है। और ऐसे में इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से ये जो हमारे देश ने 22 बिलियन डॉलर का या 23 बिलियन डॉलर का पैकेज जो है अनाउंस किया है, ये बहुत कम है। हो सकता है गवर्नमेंट इसको बढ़ा दे आने वाले समय में, मुझे नहीं पता, बट मैं अभी का जो फिलहाल का डेटा है वो आप लोगों को बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आप पॉपुलेशन देखेंगे अमेरिका से, सिंगापुर से, तो हमारी पॉपुलेशन कहीं ज़्यादा है। 130 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन 35 से 40 करोड़ के आसपास है और तब भी उनका पैकेज हम इतना ज़्यादा देख सकते हैं। सिंगापुर की तो हमारे कंपैरिजन में कुछ भी पॉपुलेशन नहीं है, फिर भी उनका पैकेजेस उनके हिसाब से कहीं ज़्यादा है और वो अच्छे चीज़ों को टैकल कर रहे हैं। देखो, इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम गवर्नमेंट के आगे ये रही होगी कि गवर्नमेंट को पता है कि हमारे देश का हेल्थ केयर बहुत ही पुअर है और ऐसे में अगर ये बीमारी ज़्यादा फैल जाती है, ज़्यादा लोगों को लग जाती है, तो इंडिया उस चीज़ को, इंडिया का हेल्थ केयर संभाल नहीं पाएगा। बट इस बीमारी का एक फैक्ट और मैं आप लोगों को बता दूं, 85% लोगों को जिनको भी कोरोना वायरस होता है वो सेल्फ क्योर हो जाते हैं, अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। कुछ दिन घर पर बैठेंगे वो सही हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर्स कह रहे हैं, डॉक्टर्स की भाषा में बता रहा हूँ। ऐसे में क्या आप लोगों को लगता है पूरे के पूरे देश को बंद करना सही यहाँ पे कदम रह सकता है, जबकि हमारे देश की इकोनॉमी इतनी डाउन जा रही है, इतना पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास, फिर भी पूरे के पूरे देश को 21 दिनों तक रोक के रखना ये बहुत ही महंगा पड़ सकता है। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जो जो एरियाज़ में ज़्यादा कोविड 19 के केसेस आ रहे थे वहाँ पे गवर्नमेंट को बंद लगाना चाहिए था। इसके अलावा जो टेस्टिंग होनी चाहिए इस चीज़ की, वो ज़्यादा होनी चाहिए थी, जिससे कि जिसको भी ये वायरस हो वहीं से रुक जाए, ना कि पूरे के पूरे देश को रोक देना चाहिए था। अमेरिका में ऐसा हो रहा है दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होता, आप खुद जाके चेक कर सकते हैं कि पूरा का पूरा अमेरिका बंद नहीं है। इसके अलावा चाइना में भी यही हुआ, चाइना की पूरा का पूरा बंद नहीं था, वहाँ के भी बहुत सारे ऐसी जगह थे जो खुली थी जहाँ पे काम हो रहा था। ज़्यादातर कंट्रीज़ में यही हो रहा है, पार्शल जो है लॉकडाउन हो रहा है, वहाँ पे पूरा पूरी कंट्रीज बंद नहीं हो रही है, क्योंकि उनको पता है कि इकोनॉमी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी चिंता हमें करनी चाहिए। हो सकता है कोरोना जो है आने वाले 2-3-4 महीनों में खत्म हो जाएगा, बट जो इकोनॉमी का लॉस होगा वो देश को कई सालों तक झेलना पड़ेगा। जो जॉब की यहाँ पे कमियाँ आने वाली है वो देश को कई सालों तक यहाँ पे झेलना पड़ेगा। अमेरिका, एक रिपोर्ट के हिसाब से मैं आप लोगों को बता दूं, अमेरिका को 3 साल लगेंगे इस चीज़ से रिकवर करने में, जबकि इतनी बड़ी सुपर पावर है। वहीं आप देख सकते हैं हमारी कंट्री जहाँ पे अमेरिका से कंपेयर करें तो बहुत ही वीक है, बहुत ही चैलेंजेस ज़्यादा है हमारे देश में, तो आप सोच सकते हैं हमें कितने साल लगेंगे इस चीज़ से उभरने में। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए 21 दिन का लॉकडाउन, इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आपके क्या विचार है आप बता सकते हैं, क्योंकि कई ऐसी रिपोर्टें आ रही है जहां कह रहे हैं कि गवर्नमेंट बढ़ा देगी, हालांकि वो रिपोर्टें सच नहीं है। बट गवर्नमेंट को अब ये देखना चाहिए कि जहां ज़्यादातर जो ये केसेस आ रहे हैं वहां पे रोका जाए, टोटल ना रोका जाए, उनको भी टाइम दिया जाए ताकि वो भी लोग कमा सके, और टेस्टिंग को बढ़ाना चाहिए। इवन WHO भी यही कहता है कि आप जितने से ज़्यादा टेस्ट करोगे उतना ही ज़्यादा बढ़िया है, उतना ही जल्दी ये चीज़ कंट्रोल में आएगी। सिर्फ सेल्फ क्वारंटाइन करना, लोगों को घर में बैठाना, ये काफ़ी नहीं है, ये मेरे लफ्ज़ नहीं है, ये WHO जो है ये बातें कर रहा है। और आप लोगों को भी पता है कि इंडिया में टेस्टिंग जो है बहुत कम हो रही है, अगर हम इसको कंपेयर करें अमेरिका से, साउथ कोरिया से और बाकी कंट्रीज से, तो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए दोस्तों। मुझे बहुत टेंशन होती है जब मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूँ जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, बट मैं अगर एक इंडिविजुअल लेवल पर बात करूँ तो मैं अपनी तरफ से यही कर सकता हूँ। आप क्या कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर तो कर ही सकते हैं, एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात जाए। अगर आप मुझसे एग्री करते हैं तो आप इसको अगर आप मुझसे एग्री करते हैं तो आप भी अपने सोशल मीडिया पे वीडियोस बना के डालें कि कोरोना का कुछ और बेहतर हो सकता है, इसको हम बेहतर और तरीके से लड़ सकते हैं जैसे बाकी देश लड़ रहे हैं। पूरा का पूरा शटडाउन ये कभी भी सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं चाहता हूँ आप अपने विचार जो है नीचे कमेंट सेक्शन पर लिखें, और मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। जल्दी आप लोगों से मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।